जगत अपमान करे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अपमान ना करे ना तब तक मन प्रभु में लगता नहीं है। इसलिए अपमान बुरा नहीं है, और भक्तों का अपमान होता है समाज में, बुरा करने वालों का अपमान नहीं होता, अच्छा करने वालों का। भगवान परीक्षा लेते हैं, क्योंकि जितना अपमान होगा उतना और निकट आएगा भक्त। इसलिए आपको ये अपमान भी ईश्वर का प्रसाद मानना चाहिए, कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। छोटे से बच्चे को आप दो थप्पड़ मारो तो वो क्या करता है, जोर से। छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से दो थप्पड़ खाता है तो वो और माँ के करीब पहुंच जाता है। ये बात सही है कि गलत है? मेरी हर बात को बहुत गंभीरता से बारीकी से समझना पड़ेगा, फील के साथ, भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब मेरी बात आप समझ पाएंगे। मेरे एग्जाम्पल भी आप तब समझ पाएंगे जब आपके अंदर फीलिंग होगी, भाव होगा। छोटे से बच्चे को माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा रोता रोता फिर माँ से ही तो लिपटता है। बताओ, माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा और कहाँ जाता है? थप्पड़ खा के भी माँ के पास। बस आपका अपमान हो रहा है ये समझना कि ईश्वर के थप्पड़ हैं, और जितना अपमान हो, जितना संसार में दुख मिले, उतने और करीब पहुंच जाओ प्रभु के, और लिपट जाओ उनके चरणों से, और निकटता बढ़ती चली जाए। अपमान बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी भी है। इसलिए अब हम लोग ना जो है अपमान से भी दोस्ती कर लिए, हमारा सम्मान भी आप लोग करते हैं। हजारों लोग सम्मान करते हैं तो कुछ लोग अपमान भी करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लाखों लोग सम्मान करने वाले होंगे तो कुछ लोग अपमान भी करेंगे, क्योंकि बैलेंस बना के चलना पड़ता है। सम्मान यदि मिलता है, माता सीता को सम्मान मिला तो अपमान भी तो मिला। राम जैसा पति पाकर सम्मानित हुई तो किसी ने उंगली भी तो खड़ी कर दी, अपमान भी मिला। यही आप ये मत भूलिए कि नहीं जी, सारा संसार हमारा केवल सम्मान करे, नहीं हमारा कोई अपमान। कुछ लोग तो बड़े परेशान हो जाते हैं अपमान से। कुछ लोग कहते हैं आपने हमारा अपमान कर दिया। हाँ जी, आप हमारा अपमान कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, आजादी है, पर आपका अपमान हम नहीं कर सकते, ना तो हमारे करने का मन है। हम क्यों आपका अपमान करें? कोई हमारा करे तो चलेगा, हम किसी का नहीं करते। बस अपमान और सम्मान को एक तराजू में तौलो। हमारे लिए तो अपमान भी वही है और सम्मान भी वही है। ना तो हमें आपके सम्मान की भूख है और ना तो आपके अपमान से हमें कोई तकलीफ है। हर स्थिति में सम रहो। पानी बरस जाए तो नदियों में कितनी भी बाढ़ आ जाए, पर उस बाढ़ से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव डूब रहे हैं पर समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र का पानी जितना था उतना ही है। और कितना भी सूखा पड़ जाए तो समुद्र रत्ती भर पानी कम नहीं होता, होता है ना? तो सूखा पड़ने से समुद्र का कुछ बिगड़ना और ना अधिक बारिश पड़ने से समुद्र का कुछ, वो अपनी स्थिति पर है। उसी तरह हम भी संसार के अपमान सम्मान का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े, हर स्थिति में हम भगवान के चरणों में रहें, भगवान को याद रखें। इस स्थिति तक पहुंचना सत्संग का उद्देश्य है।
हानि और लाभ दोनों को एक तराजू में लाओ। हानि हो जाए तो रोना नहीं और लाभ हो जाए तो अभिमान में डूबना नहीं। ये दोनों सच्चाई है, परिवर्तन होगा, ना सदा हानि रहेगी ना सदा लाभ रहेगा। एक पलड़ा हानि और लाभ, ठीक है। प्रभु की इच्छा हमें नमक रोटी खवाएं तो हम नमक रोटी में खुश हैं, और 56 भोग खिलाएं तो दुखी तो हम नमक रोटी में भी नहीं है, और बहुत ज्यादा हैंग तो हम 56 भोग खा के भी नहीं होते। आप लोगों पर ना ये चीजें प्रभाव डालती हैं। आपको जरा सा कष्ट आया रोने लग गए, थोड़ा सा धन आया छाती फुला के चलने लग गए। आप लोग बहुत चीजों को ना चीजों में परेशान हो जाते हैं। आपको बहुत प्रभावित करती हैं संसार की ये घटनाएं, लेकिन हमें प्रभावित नहीं करती। हर स्थिति में हम भिखारी की तरह भी जीवन गुजार चुके हैं। हम बचपन में भिक्षा मांगते थे, आप सबको पता है। हम बचपन में भीख मांगते थे गांव में, तब भी हम आनंद में रहते थे। एक पैंट था हमारे पास, साल भर तक पहनते थे, पीछे पूरे बड़े बड़े जब तक छेद ना हो जाएं तब तक पिताजी दूसरा पैंट नहीं दिलाते थे, क्योंकि गरीबी इस तरह से थी, मजबूरी उनकी भी थी। तब तो लगता था कि पिताजी नहीं दिला रहे हैं, पर अब समझ में आता है कि दिलाते कैसे, था ही नहीं। हमारे यहां रोटियां कभी बर्बाद नहीं होती थी, रात्रि की बच जाए तो सवेरे बासी रोटी खूब आनंद से खाते थे, रोटियों का सम्मान बहुत करते थे। हालात सब कराता है, हालात सब कराते हैं। हम तब भी आनंद में थे, आज भी आनंद में, तब भी प्रभु के ही आश्रित थे, आज भी प्रभु के आश्रित हैं। जब ईश्वर ने कुछ नहीं दिया तो भी उनकी कृपा थी, और ईश्वर ने जब सब कुछ दिया तो भी उनकी ही कृपा है। तो दोनों स्थिति एक सी है, तब भी हम वैसी थे, आज भी हम वैसे। हम जब भी लोगों के बीच में बैठते थे अपने गांव में, आज भी बैठते हैं। जिन लोगों के साथ तब बैठते थे उन्हीं लोगों के साथ आज भी बैठते हैं। तब जैसी बातें करते थे आज भी वैसी बातें करते हैं। तब भी हंसते थे आज भी हंसते हैं। तब भी मजाक करते थे अब भी मजाक करते हैं। कुछ लोग तो जरा पैसा पाएं तो आप से बोलना छोड़ देते हैं। आप लोगों पर प्रभाव डालती हैं संसार की घटनाएं। हम आपसे कहते हैं आनंद में रहना है तो सुख दुख को एक तराजू में जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और तीसरा, जन्म और मृत्यु को एक तराजू में। किसी के जन्म लेने में बहुत ज्यादा खुशी नहीं और किसी के मर जाने में बहुत ज्यादा शोक नहीं। जन्म लेने वाला ले लिया, मरने वाला मर गया, ये तो ईश्वर के रोजमर्रा की खेती है। अपन तो मस्त रहो। अनिरुद्धाचार्य आया, अनिरुद्धाचार्य चला गया, खत्म। आना और जाना यही तो है। अब आने की खुशी मनाते हैं हम लोग और जाने का दुख, ये तो बैलेंस नहीं हुआ कि आने में हंसे और जाने में रोए। अरे आने में हंसे थे तो जाने में भी हंसो, हंसो इस बात की खुशी मनाओ कि वो प्रभु के चरणों में चला गया, प्रभु के धाम चला गया, जहां से आया यात्रा पूरी हुई, खुशी का दिन है। लेकिन ऐसे लोग रोने चिल्लाने चीखने में अज्ञानवश गवाते, क्योंकि आपके जीवन में ये घटनाएं बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। लेकिन जो संत हैं, जो यथार्थ समझते हैं सच्चाई को, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मरना जीना रोज हो रहा है। एक
स्थिति पर स्थित हो जाना आनंद की अनुभूति है। ज्ञान क्या है? सुख दुख को एक मान लेना, जीवन मृत्यु को एक मान लेना, हानि लाभ को एक मान लेना, यही ज्ञान है। जो इन तीनों का बैलेंस करके चले, तीनों को एक तराजू पर तौले, एक माने, वो समझदार है। और जो दुख में रोए और सुख में हंसे, जो जन्म में हंसे और मृत्यु में रोए, जो लाभ में हंसे और हानि में रोए, वो अज्ञानी है। आप लोग तीनों घटनाओं से प्रभावित होते हैं, हानि से, जन्म से, और हानि जीवन से और मरण से, यश से और अपयश से। आप चाहते हैं सम्मान तो हो हमारा, अपमान ना हो। आप चाहते हैं धन तो आए, हानि ना हो। आप लगता है जीवन तो मिले, मृत्यु ना मिले, कैसे पॉसिबल है? आपका जीवन है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन आप मरना नहीं चाहते, यही आपका अज्ञान है। समझदार जो हैं वो सबको एक समान देखते हैं, आपको भी एक समान देखना है। ये जो है ये यही माया है। आप सुख में दुख में उलझ रहे हैं, यही माया है। हानि लाभ में उलझ रहे हैं। एक काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग अच्छी करो, पैसा कमाओ, लेकिन आसक्त मत हो किसी चीज में, मोह में उलझो मत। पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, खूब पैसा कमाना चाहिए। परिवार की सेवा करना बुरा नहीं है, खूब परिवार की सेवा करो, सब अच्छा है। पर सब कुछ करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखो, हर परिस्थिति में आनंद में रहो। समय ये वक्त भी बदल जाएगा, और वक्त बदलने के लिए ही होता है। समय की बात है ना मेरी माँ, समय की बात है कि दर्पण में लोग अपना चेहरा देखते हैं, शीशे में लोग अपना चेहरा देखते हैं। समय की बात है कि लोग अपने घर पर शीशा लगाते हैं, पर वही समय पर जब शीशा टूट जाए तो लोग हटा देते हैं। बस समय है कि कभी दर्पण को आप घर के अंदर लाते हैं तो कभी दर्पण को आप घर के बाहर फेंकते हैं। जैसे शीशा टूट जाता है, ऐसे ये जीवन भी टूटने के लिए बना है। आपको क्या लगता है, टूटे ना? इसलिए सेवा, धुंधकारी अपनी माँ को सताता है, पिता को सताता है, हम आपसे कहते हैं सेवा करो। अपनी माँ को सताओ ना, पिता को सताओ ना, काम आओ किसी के। जीवन अनमोल है, आज है कल का भरोसा है, हंस लो जी भर के, नाच लो जी भर के, गालो जी भर के, प्रभु से प्यार कर लो जी भर के, अच्छे काम कर लो जी भर के। बुरे काम तो हो ही रहे, बुरे काम करने नहीं पड़ते, वो तो हो ही रहे। सच बोलना पड़ता है, झूठ तो बोल ही रहे। पुण्य करना पड़ता है, पाप तो हो ही रहे। क्यों मेरी मां? इसलिए अच्छे काम करो,